हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं। क्या हुआ, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? इज देयर समथिंग रॉन्ग विद माय फेस? ओह दिस दिस इज माय न्यू लुक। कैसा लगा? अच्छा ना, अभी दिखाता हूं। तरा, डिड यू रिकॉग्नाइज मी विद द मास्क? नहीं ना। आपको पता है कि मेकिंग एंड वेयरिंग मास्क इज अ सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन इन अफ्रीका। अफ्रीकन ट्राइब्स वॉर पे जाने से पहले या फिर हंटिंग के लिए स्केरी मास्क पहनते थे, टू स्केयर द एनिमीज और द एनिमल्स। और आज हम भी बनाने वाले हैं एक मास्क। नो, नॉट टू स्केयर एनीवन, बट टू हैव फन। आज हम बनाने वाले हैं एक टॉकिंग मास्क। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए पॉपकॉर्न बॉक्सेस, नायलॉन थ्रेड, बॉक्स बोर्ड, स्टिकिंग टेप, मोल्डिंग क्ले, व्हाइट ग्लू, कॉर्नफ्लावर, मार्कर, पेंसिल, एक्रेलिक पेंट्स एंड ब्रशेस। तो चलिए मैं आपको अपने फेस का एक टॉकिंग मास्क बनाकर दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लेंगे ऐसे बॉक्सेस। बस आपको ध्यान रखना है कि उनकी शेप आपके फेस से मैच करे। पहले एक साइड को हम काट के निकाल देंगे। तो अगर ये इस तरह से फिट हो रहा है आपके फेस में, तो इसके सामने की तरफ नाक और मुंह बनाना है। जितना आप चीजों को एग्जैजरेट करेंगे, उतना ही आपका टॉकिंग मास्क अच्छा दिखेगा। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ कैरिकेचर। बड़े दांत बना रहे हैं, नाक को मैंने थोड़ा बड़ा दिखाया है। साइड में चीक्स को कंटिन्यू करेंगे, ड्रॉइंग फिनिश हो जाएगी, हम उसको काट लेंगे। अब उसकी नाक का शेप कट करके बाहर निकाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ एक 3D नाक बनाएंगे। इसके लिए मैं अलग से पीस कट करूंगा। अब उसकी माउथ के लिए भी कैविटी कट करेंगे। लेकिन टॉकिंग मास्क को टॉक कराने के लिए, यानी लोअर जॉ हिले, एक और पीस बनाना है। एक और बॉक्स बोर्ड का पीस लेंगे और उसको अपर लिप के हिसाब से अलाइन कर देंगे ऐसे। फिर उल्टा करके मैं बॉक्स की मार्किंग लूंगा। थोड़ा एक्स्ट्रा दिया है साइड्स में ताकि हम फोल्ड कर सकें। और चिन के लिए भी मैंने एक एक्स्ट्रा फ्लैप बनाया है। इसको क्लीनली कट कर लेंगे। थोड़ा सा स्कोर कर सकते हैं, इसको फोल्ड करेंगे, इसे कट कर देंगे बेंड कराने के लिए। अब मैं इसके चिन के नीचे की तरफ यहाँ पे स्लिट्स बना रहा हूँ। जब आप इसे ओवरलैप करेंगे ऐसे, तो ये ऑटोमेटिकली कर्व शेप में आ जाएगा। तो चलिए इसको चिपका लेते हैं। और इसको अगर हम यहाँ पे फिट कर देंगे और ऐसे मूव कराएंगे, तो ऐसा लगेगा कि उसका लोअर जॉ मूव हो रहा है। लेकिन उससे पहले एक माउंट बोर्ड के पीस से बनाएंगे उसकी नाक। इसके अकॉर्डिंग 2 पॉइंट मार्क करूंगा। तो ये आ गया नाक का शेप। थोड़ा सा एक्स्ट्रा साइड्स में देंगे और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। अब नीचे की तरफ से इसको कट करेंगे, इसके साइड से फोल्ड करेंगे, फिर इसको टेप करके अब इसको यहाँ पे चिपका देंगे ऐसे। मैं दिखाता हूँ। चलिए, नोज भी आ गया है। ये 3D तो लग रहा है, लेकिन इतना ज्यादा रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे थोड़ा क्ले और इसको शेप करेंगे। मैं क्ले इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही आसानी से मोल्ड हो जाती है। नोज के ऊपर भी लगा के देख लेते हैं। अब इसी तरीके से उसके लोअर जॉ के ऊपर भी हम क्ले लगाएंगे। पहले यहाँ पे चिन पर और ऊपर यहाँ पर उसके लोअर लिप के लिए। तो आप देख रहे हैं कि हमारे टॉकिंग मास्क का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो रेडी हो गया है। और काफी हद तक मेरी तरह लग रहा है क्ले निकले ना, ये शेप मेंटेन रहे, इसलिए इसके ऊपर टिश्यू पेपर लगाएंगे। टिश्यू पेपर को चिपकाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ ग्लू, पानी और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर। और जिस तरह मैंने इसकी नाक बनाई है 3D, उसी तरह से मैंने इसके कान भी बनाए हैं। कान बनाने के लिए मैंने यूज किया है थर्माकोल। इस तरह से चिपका देंगे और इसको पूरी तरह से टिश्यू पेपर से कोट कर देंगे। और क्योंकि हमने इसमें ग्लू इस्तेमाल किया है, तो इसको काफी टाइम लगता है सूखने के लिए। यहाँ पे मैंने एक पहले से बनाया है, ये देखिए काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। जो लोअर जॉ का मैकेनिज्म है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप आसानी से इसे मूव करा सकते हैं। पहले यहाँ पे लोअर जॉ के ठीक सेंटर में मैं नायलॉन स्ट्रिंग को अटैच करूंगा। इसके बाद उसके अपर लिप के पास ठीक सेंटर में यहाँ पे होल करूंगा। अब बस स्ट्रिंग को उसके थ्रू पास करना है। अब क्या करेंगे, दोनों लिप्स एक साथ ऐसे मैच करें। इसके नीचे के हिस्से में यहाँ पे मैं लगाऊंगा टेप। सिर्फ एक एंड जो है मैंने वो चिपकाया है टेप से, तो ऐसे मूव कर सकता है। जितना आपको मूव कराना है उतना डिस्टेंस लेके आप स्ट्रिंग के पीछे यहाँ पर नॉट दे सकते हैं, ताकि उतने डिस्टेंस के बाद आके वो लॉक हो जाएगा। मैं इसके साइड्स में बांधने वाला हूँ रिबन, ताकि आप इसे अपने सर से टाई कर सकते हैं। अब हम इस पे कलर कर सकते हैं। फेस का टोन चेक कीजिए और उसी के हिसाब से कलर कीजिए। अब इसी तरीके से इसके लिप्स और बियर्ड, जैसे मेरी बियर्ड है मैं इसके ऊपर बनाऊंगा। लिप्स में भी हमने कलर कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वर्क करता है। तो देखा आपने, आप इसी तरह से अपना या अपने फ्रेंड्स के लिए ऐसे मास्क बना सकते हैं। एंड देन यू कैन जस्ट एंजॉय। Hi, I'm your guide. Welcome to Egypt. Behind me, we have the famous pyramids.
Did you know that the pyramids are tombs of Egyptian royalty? Delhi Sale में आपका स्वागत है. आज का हमारा प्रोडक्ट है ये fabulous brush. इससे आप बना सकते हैं कई अनगिनत रंगीन चित्र. इस fabulous brush को पाने के लिए डायल कीजिए 500-080-054. एक बात बताना तो भूल गया. एक और शून्य. टॉकिंग मास्क बनाने के लिए सबसे पहले एक खाली कार्डबोर्ड बॉक्स लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉपकॉर्न का बॉक्स लिया है. उसके ऊपर अपने फेस के अकॉर्डिंग नोज, चीक और माउथ की ड्राइंग बनाइए. फिर उसे क्लीनली कट कर लीजिए. नोज और लोअर जॉ को आप अलग से माउंट बोर्ड या बॉक्स बोर्ड पे ड्रॉ कीजिए और उसको स्कोर करके कट करके चिपका दीजिए ताकि वो 3D नजर आए. 3D में और डिटेलिंग के लिए आप उसके ऊपर क्ले लगा सकते हैं. उसके बाद इसके ऊपर टिश्यू पेपर की एक लेयर चिपकाइए. चिपकाने के लिए आप ग्लू, पानी और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर यूज कर सकते हैं. उसके बाद लोअर जॉ को मूव कराने का मैकेनिज्म बनाइए, जिसके लिए आप यूज कर सकते हैं नायलॉन स्ट्रिंग, कि जब आप स्ट्रिंग को पुल करें तो लोअर जॉ ऑटोमेटिकली मूव करने लग जाए. अपने हेड के साथ अटैच करने के लिए आप उसमें रिबन्स लगा सकते हैं. अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग उसके ऊपर पेंट कीजिए, उसमें डिटेलिंग ऐड कीजिए और हो जाएगा आपका अपना टॉकिंग मास्क तैयार.